संसद से पीएम मोदी ने एक बार फिर से किसानों को लेकर सियासत करने वालों को जमकर घेरा। बोले आंदोलन की पवित्रता नष्ट कर रहे हैं आंदोलनजीवी। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते। लोकसभा में पीएम मोदी ने किसानों से की अपील, कानून में बदलाव के लिए चर्चा को तैयार है सरकार। किसान आंदोलन को लेकर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा गलत धारणाओं के शिकार हुए हैं किसान। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। पीएम के संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसदों का हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी बोले सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है बवाल। पीएम मोदी के भाषण से कांग्रेस का वॉकआउट, अधीर रंजन चौधरी बोले हमारी बात नहीं सुनते हैं प्रधानमंत्री। अंतिम तक हमें ये उम्मीद था कि प्राइम मिनिस्टर शायद हमारा बात पे वो गौर करेगा और कुछ ना कुछ ऐसी बात वो कहेगा जिसमें हमारे संतुष्टि होगा, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिला, इसलिए मजबूरन होकर हम सदन से वापस गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में गजल के जरिए कांग्रेस पर कसा तंज, भोजपुरी की कहावत का भी किया इस्तेमाल। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। लोकसभा में करीब 95 मिनट बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विस्तार से समझाए खेती कानून के फायदे। सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, काला कुर्ता भगवा गमछा और माथे पर दिखा लाल टीका। प्रियंका गांधी ने नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा, कहा इन्हें पूंजीपतियों के लिए बनाया गया। प्रियंका पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले किसानों को गुमराह कर रही हैं कांग्रेस के महासचिव। कांग्रेस के नेताओं ने और बाकी विपक्ष के दलों ने देश के किसानों को गुमराह और भ्रमित करने का काम किया है। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में प्रियंका ने लिया माता का आशीर्वाद, किसानों की कामयाबी के लिए मांगी दुआ। शाकुंभरी देवी मंदिर के बाद कनखा शाह दरगाह पहुंची प्रियंका गांधी, दरगाह के नाजिम से भी की मुलाकात। सहारनपुर दौरे में प्रियंका ने जारी रखी सियासी मुलाकात, पूर्व सांसद इमरान मसूद के घर पहुंची कांग्रेस महासचिव। अखिलेश यादव के चंदा जीवी वाले बयान को लेकर जारी है सियासी घमासान, यूपी के मंत्री ने पूर्व सीएम को बताया दंगा जीवी। ये दंगा जीवी लोग हैं, हमेशा से इनको देश में दंगा जीवी के नाम से ही जाना जाता है। अखिलेश यादव के बयान पर संत समाज ने भी जताई नाराजगी, हनुमानगढ़ी के महंत ने बताया बाबर जीवी। आप होश में आ जाओ अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ, आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो, आप लगातार आपके पिताजी और आप। फतेहाबाद से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई किसानों की इमरजेंसी ब्रिगेड, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। वहीं चौथे दिन भी जारी है चमोली आपदा में फंसे लोगों की तलाश, 172 लापता लोगों का अब तक नहीं मिला है सुराग। चमोली आपदा में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि, लापता लोगों को ढूंढने के लिए युद्धस्तर पर चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन। सामने आया चमोली हादसे का नया वीडियो, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में 7 फरवरी को तबाही की दिखी थी तस्वीर। तपोवन में जारी सर्च ऑपरेशन पर टिकी है परिजनों की नजर, अपनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। वैज्ञानिकों ने किया ग्लेशियर फटने वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण, जमा किए मलबे और पत्थरों के टुकड़े। आपदा की वजह से विष्णुप्रयाग इलाके में जोरदार तबाही, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। चमोली त्रासदी को लेकर यूपी सरकार ने हरिद्वार में शुरू किया आपदा नियंत्रण कंट्रोल रूम, 3 मंत्री करेंगे निगरानी।
चमोली आपदा में मारे गए लोगों के लिए देवघर में विशेष पूजा अर्चना, सुरंग में फंसे लोगों की सलामती के लिए भी बाबा वैद्यनाथ से मांगी गई दुआ। भारत चीन में कमांडर लेवल की बातचीत का दिखा असर, पैंगोंग झील के विवादित फिंगर 8 तक लौट रही है चीनी सेना। लद्दाख में भारतीय जवान भी फिंगर 3 तक लौटेंगे, फिंगर 4 तक नहीं होगी किसी देश की पेट्रोलिंग। जारी है बीजेपी का मिशन बंगाल, पश्चिमी मिदनापुर में जेपी नड्डा ने चाय पर की चर्चा, दिलीप घोष भी हुए शामिल। 11 फरवरी को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में लगाया जय श्री राम का नारा, कहा भगवा कपड़ों पर बीजेपी का नहीं है एकाधिकार। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, आरजेडी पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को फोकस में रहने की आदत। स्वागत ने प्रधान सचिव को नहीं पाकर बिहार के खनन मंत्री का फूटा गुस्सा, कार्रवाई की धमकी दी। 11 महीने के बाद खुले उत्तर प्रदेश के स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत शुरू हो गई है पढ़ाई। कानपुर में 11 महीने बाद बैंडबाजे के साथ शुरू हुए स्कूल, छात्रों में बांटे गए मास्क। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 11,000 नए मरीज, एक दिन में 94 लोगों की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले, 2 लोगों की मौत। लाल किले में उपद्रव का एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम, कोर्ट ने एक हफ्ते के पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी के कासगंज में तेज हुई पुलिस के हमलावरों को ढूंढने की कवायद तैनात की गई है। अब भी फरार है मुख्य आरोपी मोती धीमर, पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है पुलिस। अवैध शराब कारोबारियों ने की एक पुलिस वाले की हत्या, हमले में दारोगा गंभीर रूप से जख्मी। कासगंज की घटना को लेकर सुलगी सियासत, आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा। की अभाव से उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं संभल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम कीजिए और आपको अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुंबई के कुर्ला में शादी के मंडप से गिरफ्तार हुआ ड्रग पैडलर, एनसीबी ने शुरू की पूछताछ। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर पलटने से बच्चे की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में फंदे से लटकी मिली कपड़ा कारोबारी की लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बांग्लादेश बॉर्डर से बीएसएफ ने सोने के तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 86 लाख कीमत के सोने के 15 बिस्कुट बरामद। शिमला में जलकर खाक हुए 4 घर, एलपीजी सिलेंडर में लीक होने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में चोरी, करीब 10 लाख की 15 किलो चांदी के गहने लेकर फरार। लखनऊ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा और उसके भाई की पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में स्कूल में नरकंकाल मिलने से हड़कंप, कोरोना काल में प्रशासन ने बनाया था राहत कैंप। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या नहीं हो सकी है श्रीनाथ। शाहजहांपुर में धारदार हथियार से किसान की हत्या, खेत में लाश मिलने के बाद हड़कंप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 523 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा, 3 साथियों के साथ 1 लाख का इनामी मास्टरमाइंड गिरफ्तार। गया में वीडियो में कैद हुई गोलीबारी की घटना, जमीन विवाद में दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंबई में लोकल ट्रेन के शुरू होते ही एक्टिव हुए स्टंटबाज, सामने आया 7 फरवरी का वीडियो। भरतपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की नाकाम कोशिश, पीपीई किट पहनकर आए थे चोर। कोलकाता में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है पुलिस। हरियाणा के गोहाना में पुलिस ने बुलेट पर पटाखे बजाते एक युवक को दबोचा, 56,000 का काटा चालान। मथुरा में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के जबरदस्त भिड़ंत, 3 लोगों की मौके पर मौत, 18 लोग घायल। जोधपुर में एडवेंचर ट्रिप का आयोजन, सड़क पर दौड़े करीब 100 करोड़ की 22 सुपर कारें। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित फिल्म सिटी पहुंचे राजू श्रीवास्तव, आगे की रणनीति को लेकर बैठक। धान की भूसी से साफ होगी गंगा, आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने किया है दावा। कानपुर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास, 50 साल की महिला ने ली 48 घंटे की समाधि। जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम, ज्यादातर जगहों पर लुढ़क रहा है न्यूनतम तापमान। श्रीनगर में 0 से 1.5 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान, गुलमर्ग में 0 से 4 डिग्री नीचे लुढ़का पारा।
उत्तराखंड के टिहरी में बर्फ की मोटी चादर के आगोश में है सीमा से सटे गांव, घरों में कैद हो गए हैं लोग। बर्फबारी के बाद सैलानी से गुजार हुआ उत्तराखंड का स्की रिजॉर्ट औली, जमकर लुत्फ उठा रहे हैं टूरिस्ट। कोहली को भुगतना पड़ा चेन्नई टेस्ट में हार का खामियाजा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान के नुकसान के बाद पांचवें रैंक पर फंसे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सातवें नंबर पर काबिज हैं चेतेश्वर पुजारा, ओपनर शुभमन गिल ने लगाई सात पायदान की छलांग, 40वें नंबर पर काबिज। लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स से 19 अंक फिसलकर 51309 पर बंद। एलआईसी ने शेयर मार्केट से कमाया 35,000 करोड़ रुपए, 2021 में 5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का अनुमान। बुधवार को फिर नए उच्चतम स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 30 पैसे डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा। अगले 2 से 3 महीनों तक महंगाई से राहत मिलने का अनुमान, सब्जियों पर लोगों को खर्च करने होंगे कम पैसे। नए लेबर कोड में हफ्ते में 4 दिन काम के साथ ही फ्री मेडिकल जांच भी ड्राफ्ट में शामिल, 1 अप्रैल से लागू होंगे 4 लेबर कोड। अगले 2-3 महीनों में शुरू होगा 5G ट्रायल, टेलीकॉम विभाग सीमित इलाकों में देगा ट्रायल की मंजूरी। एनपीसीआई के सिस्टम में खराबी से निवेशकों को नहीं मिली यूनिट्स, बाजार की तेजी का फायदा उठाने से चूक गए म्यूचुअल फंड के निवेशक। रियल एस्टेट में तेजी के असर से बढ़ी ग्रेनाइट और मार्बल की मांग, बीते कुछ महीनों में दर्ज की गई है 1.5 गुना से ज्यादा तेजी। व्यापार में तख्ता पलट को लेकर दुनिया भर में नाराजगी, वॉशिंगटन डीसी में दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। म्यांमार से सामने आई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें, एक महिला को गोली मारते दिखे जवान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, सीनेट ने महाभियोग ट्रायल को ठहराया संवैधानिक। 2015 के परमाणु समझौते का पालन करने के लिए तैयार है ईरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी बोले अमेरिका करे पहल। न्यूजीलैंड में एक सांसद को भारी पड़ा सदन में बहस के दौरान टाई ना पहनना, स्पीकर ने दिए सदन से निकालने के आदेश। अमेरिका के मिनेसोटा में एक स्वास्थ्य केंद्र पर गोलीबारी और बम विस्फोट, एक की मौत, पुलिस ने एक बुजुर्ग को किया है गिरफ्तार। पायलट की गलती से गई अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायन की जान, खराब मौसम के बाद भी उड़ाया था हेलीकॉप्टर। चीन में वुहान की लैब से नहीं फैला कोरोना वायरस, जांच के लिए गई WHO की टीम ने सारी आशंकाओं को किया खारिज। दुनिया में 10,75,00,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 23,52,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना रिलीफ पैकेज को लेकर कंपनियों के CEC से मिले जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी रही मौजूद। जापान में अगले हफ्ते से शुरू होगा कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन, प्रधानमंत्री योशिदा सुगा ने दी है जानकारी। कंबोडिया में शुरू हुआ कोरोना के खिलाफ टीकाकरण, चीन ने दान में दी है 6,00,000 वैक्सीन। ग्रीस में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ी सकती एथेंस समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल में भीड़ को लेकर सतर्क है प्रशासन, बड़े स्तर पर शुरू हुआ टेस्टिंग का काम, 7 दिन पहले ही नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। नीदरलैंड्स में कड़ाके की ठंड, जम गई झीलें, 0 से 16 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान।